आज हम बनाएंगे पापड़ मछली फ्राई रेसिपी। बहुत ही इजी है, क्विक बन जाता है, टेस्टी तो ये है ही और सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाता है ये। तो पापड़ फिश को अच्छे से धोकर साफ करके लिए है। अगर आप चाहे तो हेड को थोड़ा कट कर सकते हैं और इसके ऊपर एक चाकू से हल्का हल्का चीरा लगा सकते हैं। एक ग्राइंडर जार में डालेंगे एक मीडियम साइज प्याज को राफ्टली चॉप करके लिए है और 2-3 इंच अदरक का टुकड़े को भी चॉप करके लिए है राफ्टली। 7 से 8 लहसुन के कलियां लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। आपको तीखा अगर ज़्यादा पसंद है मछली फ्राई में तो और भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। फिश के ऊपर मसालों को डाल देते हैं। अभी ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू के जूस। 2 बड़े चम्मच लिए हैं। नमक डालेंगे 1 बड़े चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और फिश को पूरे बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे 15 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। फिश अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। मसालों से अच्छे से इसे कोट करके लिए है। अभी रख देते हैं 15 मिनट के लिए। एक दूसरे बोल में बेसन लिए हैं 1/2 कप। इसमें डालेंगे 1/4 ही छोटा चम्मच हींग और डालेंगे 1/4 ही छोटा चम्मच कलौंजी। इसे भी डाल देते हैं। 15 मिनट बाद फिश के ऊपर का सारे मसालों को लेकर डाल देते हैं बैटर में। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम थिक बैटर बनाएंगे। बहुत पतले बैटर नहीं होगा। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कुछ सेकंड इसे अच्छे से फेटेंगे इस तरह से। अभी डाल देंगे 1/4 ही छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। आप चाहे तो थोड़ा नमक भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि बैटर में भी हम नमक डाला है तो ध्यान से डालना है नमक को। अच्छे से फेंट लेते हैं। एक फ्राई पैन को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम में। 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। हमने सरसों के तेल लिए हैं। पापड़ फिश सरसों तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है। तेल अच्छे से गर्म होने पर एक एक करके फिश को डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, देख रहे हैं ऊपर में धुआं निकल रहा है। डाल देते हैं फिश को एक एक करके बैटर में कोट करके डालेंगे। बहुत सारे फिश को एक साथ ना डालें, थोड़ा गैप रखना चाहिए। एक्स्ट्रा बैटर को इस तरह से फिश के ऊपर कोट करेंगे। कोट कर लिए हैं। अभी गरम ऑयल को चम्मच से इस तरह से लेके बैटर के ऊपर डालेंगे तो बैटर भी अच्छे से चिपक जाएगा फिश के ऊपर। फिश डालने के कुछ सेकंड बाद ही फ्लेम को लो रखना है तो फिश अच्छे से अंदर तक कुक होगा। एक साइड अच्छे से कुक होने पर दूसरे साइड में पलट देना होगा इस तरह से। दूसरे को भी पलट देते हैं धीरे धीरे। करछी से थोड़ा दबा दबा के इसे कुक करेंगे अंदर तक। दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। इसे फ्राई होने में 15 मिनट्स लगता है, लेकिन फ्लेम को मीडियम या तो हाई फ्लेम में नहीं डालना है, तो ऊपर जल जाएगा और अंदर कच्चा के कच्चा ही रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी फिश को भी सेम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मछली फ्राई बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। ये तो ऐसे ही टेस्टी होता है, फिर भी हम ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा।
साथ में डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, स्क्वीज कर देते हैं थोड़ा सा लेमन जूस, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखें, एक बार बनाने से आप बार बार इसे बनाओगे। अगर आपको हमारी ये मछली फ्राई रेसिपी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैसा बना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं श्रावणीस किचन को, जिसका स्पेलिंग है SHRAVANI, श्रावणीस किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी।